Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am first year MBBS student, and in today's video, I will not just give only the tips that I have followed during my MCAT preparation of biology, but I will also give you the tips and also show you that how I solve my MCQs during the test and how the questions are taken from the book and what we have to think when we saw the questions that are exactly same in the book. In the last video, I have told you that how I prepare myself for study chemistry and what are the tips that I follow for myself, and you guys must follow them to prepare the chemistry well. In today's video, I will tell you that how I prepare myself for MCAT biology and what are the major mistakes that students made while studying the biology. So the first thing and the first question that most of the students ask, that how much time do we give to the subject biology? कि हमें रोज़ कितना बायोलॉजी पढ़ना चाहिए. सो बायोलॉजी इज़ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ एमकेट. लास्ट ईयर बायोलॉजी के अमंग द 200 एमसीक्यूज देयर वर 80 एमसीक्यूज एंड इट इज़ द लाइक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बायोलॉजी. हर साल लाइक बिफोर 2019 वी हैव लाइक 30 एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी, 30 ऑफ फिजिक्स एंड 30 ऑफ proportion of biology. So according to this, we should study biology more. But hum MCAT students ko biology asaan lagta hai. We feel like biology to ho jayega. Kyunki agar hum dekhen to jab hum MCQ solve kar rahe hote hain to among 80 MCQs sabse zyada agar aapka proportion mein galat ratio nikale to wo biology ka ho jata hai. Kyunki chemistry aur physics ki hum प्रिपरेशन अच्छी करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी फील दैट वी आर वीक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड हम बायोलॉजी को सम हाउ लिटिल बिग ड्यूरिंग एमकेट निगलेक्ट कर रहे होते हैं. वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज इसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है. आई एम नॉट सीइंग के जस्ट स्टडी बायोलॉजी, बट डोंट लीव बायोलॉजी कम्प्लीटली. अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मुश्किल लगता है तो आप उसे उस टाइम पे करें जब आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास एनर्जी होती है. लेकिन ऐसा ना करें कि आप दिन में बायोलॉजी पढ़ें ही ना, क्योंकि इट्स लाइक क्योंकि इससे ये होगा कि एमसीक्यूज जब आते हैं बायोलॉजी के, दे आर ऑलमोस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे अगर आपकी बायोलॉजी की अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी. जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए अपना टारगेट अगर बनाते हैं, लाइक केमिस्ट्री के हमें दिन में 3 चैप्टर्स करने हैं और 2 चैप्टर करने हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, योर टाइम मैनेजमेंट. अब जो भी अपना एक प्लान बना रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, मेक श्योर आपका बायोलॉजी का भी प्लान बना हुआ हो. अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को अच्छी रीड दे रहे हैं तो आप बायोलॉजी को भी एक स्मूथ रीड दें, एक अच्छी रीड दें, उसकी रिविज़न करें, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना हम इसको ले लेते हैं ईजी. एम सी क्यूज करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बायोलॉजी में, वी फील लाइक ये कहीं पढ़ा था बट कहाँ पढ़ा था ये याद नहीं आ रहा होता. कि जब हमने ये पढ़ा था तो वी वर लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कि ये मैं आराम से कर लूँगी. सो दैट्स आर सेकेंड टिप, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट regarding biology. Now overconfident just not mean कि हम पढ़ते वक्त overconfident हो जाते हैं. बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे students ये mistake करते हैं कि biology के MCQ solve करते वक्त भी overconfident हो जाते हैं. Like statement सही से नहीं पढ़ी, क्योंकि बायोलॉजी की बहुत सारी स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स. तो अगर आपने वहाँ पे सारे सेल्स के ऑर्गेनल्स नहीं सही से पढ़ोगे तो यू विल डेफिनेटली डू मिस्टेक इन इट.
एंड इट्स नॉट द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. आप अपने इजी क्वेश्चन का अपने ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मार्क एक अपना खो देते हैं एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग. सो जितना दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हैं उतना बायोलॉजी को टाइम दें. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग बायोलॉजी कि ये हो जाएगा. आई कैन से बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है तो आप बायोलॉजी को एटलीस्ट उस पर फोकस ज़्यादा रखें ताकि जो आपको ईजी लगता है एटलीस्ट आपके उसमें मैक्सिमम मार्क्स आ सकें. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं और इन फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं जो उस वक्त हमें काफ़ी मुश्किल लग रही होती हैं ड्यूरिंग टेस्ट और हम उसे करेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन बायोलॉजी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में तो हम अपने मार्क्स नहीं छोड़े ना. सो अगर आपके बायोलॉजी में अमंग 80 आपके अगर 60 करेक्ट हैं और 20 रॉन्ग हैं तो आई कैन नॉट सी दैट यू हैव डन द बायोलॉजी वेल. आपके हिसाब से आपने 60 सही करें लेकिन आपने अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए गलत होने का क्या प्रोपोर्शन छोड़ा. अगर आपके 20 बायोलॉजी में ही गलत हो रहे हैं MCQs तो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है जिसमें सिर्फ एक माइनस और प्लस के साइन से मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप अपने उस सब्जेक्ट के लिए क्या स्पेस छोड़ रहे हैं. तो आपको बायोलॉजी में मैक्सिमम करेक्ट करने हैं और मैक्सिमम करेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं जब आप इसे मैक्सिमम अटेंशन दें. नाउ द थर्ड थिंग इज़ डोंट बी कन्फ्यूज विथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. लास्ट ईयर बायोलॉजी में बहुत सारी डायग्राम्स आई थी लाइक इट्स मे बी 10 or 12 डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे. टेस्ट आई हैव फाइंड लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर लाइक बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड दे वर डिफिकल्ट एंड दे वर नॉट फ्रॉम द बुक एंड ऑल सच. सो आई वॉन्ट यू टू नो दैट जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सब बुक में से ही थे. उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो एग्जैक्ट बुक में लिखे हुए हैं. तो आप जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनसे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो. क्योंकि जब हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट होता है सब कॉन्शियस माइंड पर. अगर हम एक डायग्राम देखने के साथ ही ये सोच लेंगे कि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो आपको वो डायग्राम आ भी रही होगी तो आपको समझ नहीं आएगी. एंड जब घर आकर आप सुकून से देखेंगे तो यू आर लाइक मैंने फजूल में ये क्वेश्चन गलत कर दिया एंड देन यू आर लाइक आई रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो एंड सी दैट वी हैव लाइक लॉट ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सी दिस एंड लाइक मैनी मोर. सो वी शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. दे आर लाइक क्वाइट सिंपल. अगर आप इस क्वेश्चन को देख कर ही पता चल रहा है क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई प्यूरिन एंड पायरिमिडिन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम. सो इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड चैप्टर आई थिंक इट इज क्लियरली मैंशन दैट प्यूरिन्स आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरिमिडिन्स आर द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. तो आपको देखने के साथ ही पता चल रहा है कि जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है A and C, it is the purine and B, D and E, it is pyrimidine. So, उस वक्त आप ड्यूरिंग टेस्ट ओपन माइंडेड बैठे हुए हो तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एनीबडी. इट्स लाइक इवन वेरी इजी क्वेश्चन. सी द सेम डायग्राम एज इट इज सेम डायग्राम इज given in the book. तो आपको अब ये याद नहीं रखना है कि प्यूरिन में कितने सी हैं कितने एच हैं. बस आपने ये याद रखना है कि प्यूरिन इज़ अ डबल रिंग एंड पायरिमिडिन इज़ अ सिंगल रिंग. एंड प्यूरिन में क्या आता है मे बी नेक्स्ट ईयर या इस ईयर वो लोग ये लिख कर दे दें कि इनमें से आप एडिनिन एंड गुआनिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन बताएं कौन सी क्या है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास प्यूरिन में एडिनिन एंड गुआनिन आती है एंड पायरिमिडिन में वी हैव साइटोसिन थायमिन एंड यूरैसिल. सो बस आपने उसका लाइक डिटेल स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी क्या डबल रिंग है एंड किस में क्या सिंगल रिंग है. सो लाइक इट्स एन ईजी क्वेश्चन. नाउ सी
दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हमें इस क्वेश्चन में से जो भी पार्ट हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, उससे उस पर टिक लगाना है. लाइक इट्स द सेम क्वेश्चन जो थ्योरी में दिया हुआ होता है, एक्सेप्ट वाला. अगर ये क्वेश्चन ये लोग इस तरह लिख कर देते लाइक ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट, तो हमें पता होता कि ट्रांसलेशन में टी आर एन इन्वॉल्व होता है, ट्रांसलेशन में वी हैव मैसेंजर आर एन ए, ट्रांसलेशन में वी हैव राइबोसोम्स, वी हैव आर आर एन ए, बट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन वी डोंट रिक्वायर आर एन ए पॉलीमरेज. तो हम उस पर टिक लगा देते हैं आराम से. उन्होंने यही चीज़ वही एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन डायग्राम में बना दिया है कि इसमें से जो भी आपको लग रहा है कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, आपने उस पर टिक लगाना है. तो वी नो डेट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. मैसेंजर आर एन ए को देख कर हमें पता चल जाता है कि मैसेंजर आर एन ए जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा. तो यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आर एन ए, और यू कैन से अगर आप इसे पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पर नहीं जाते, यू कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एंड इवन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस आर एन ए पॉलीमरेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट. तो यहाँ पे हमें पता है कि आर एन ए पॉलीमरेज सी ऑप्शन है, तो वी कैन डू इट. सो ये भी हमारे बुक में जो इंटर का सिक्स चैप्टर है उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड हैं. अगर आपको वो याद हैं कि क्या क्या है, टी आर एन ए है एंड आर आर एन ए एंड इसकी टाइप्स एंड ऑल सच, तो आपको पता होगा कि वहाँ उस जगह पे आर एन ए पॉलीमरेज मेंशन नहीं है. एंड आर एन ए पॉलीमरेज हमारे पास डी एन ए सिंथेसिस वगैरह में यूज़ होता है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस से कोई काम नहीं है. So this is our next question, and इसमें हमारे पास क्लियरली मैंशन है दैट चूज द बेस्ट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक और प्लांट्स इन द लेबॉरेटरी. सो अगर आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का जो टॉपिक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इंटर में हमारे पास, तो उसमें हमारे पास ये सब लिखे हुए हैं बुक में क्लियरली मैंशन है, डायप्लाज्मिड, प्रोटोप्लास्ट, रिडक्टेस, इंजाइम, लाइगेस, इट्स ऑल. अब सब में अगर आप देखें तो किसी में दो चीज़ें सही हैं, किसी में थ्री ऑप्शन सही हैं, लेकिन द मेन थिंग विच इज़ द टाइप्लाज्मिड वो सिर्फ एक ही में. तो आपको टाइप्लाज्मिड देखने के बाद आपको होगा कि लाइक 40% तो ये सही है. फिर आप इसमें देखें अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही जो इसमें है, लाइक राइबोसोमल आरएनए, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड फॉर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो फिर आपने अगर वो कंपोनेंट्स बुक की वो लाइनें सही से पढ़ी होंगी तो आपको उस वक्त ये बात याद आ जाएगी. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. ये इसी सेम क्वेश्चन को थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख कर दे सकते थे स्टेटमेंट में, पर जस्ट वो आपका वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन दैट द फॉलोइंग पिक्चर इज ऑफ डैश टेक्निक इन विच डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड स्पीड इन इट. देखने से लगता है कि ये पिक्चर जो है हमारी बुक में नहीं बनी हुई. सो फर्स्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट, वो क्या पूछ रहे हैं, एंड देन गो फॉर द डायग्राम कि डायग्राम में क्या क्या बना हुआ है. डायग्राम को यहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है एग्जैक्ट सेम दैट इज़ मेंशन इन द बुक. जो बुक में सेम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, और बस आपको ये डायग्राम देखकर कंफ्यूज किया हुआ है. तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप यहाँ पर देखें जो डेफिनेशन दी हुई है, इट इज़ ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जस्ट टेक ऑन इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड दिस. Practice this question, and in the next video, I will continue with this diagrammatic question. So,
press the subscribe button and hit the bell icon so you will get notified when I'll upload the video. Till then, good luck and stay positive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.